हेलो नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम मुस्लिम विधि LLB पार्ट फर्स्ट में मुस्लिम विधि देखते हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हक शुफा प्रीएम्पशन क्या होता है या प्रीएम्पशन का डेफिनेशन देखी, उसका इंट्रोडक्शन देखा और जो केस लॉ है उसमें हमने देखा कि कैसे डिफाइन किया गया है प्रीएम्पशन, कौन कर सकता है या क्या होता है प्रीएम्पशन। आज हम देखते हैं मुस्लिम विधि में हक शुफा। हक शुफा में या ये शिफा की मांग कौन कर सकता है कि क्या होता है हक शुफा। शुफा हमने ये देखा कि ए की प्रॉपर्टी है वो बी की प्रॉपर्टी, अगर अपनी बी अपनी प्रॉपर्टी सी को बेचता है, विक्रय करता है तो ए का अधिकार होता है हक शुफा का, अग्रक्रय अधिकार का, प्रीएम्पशन का, कि वो कह सकता है कि सी को जिस कीमत पे आपने प्रॉपर्टी विक्रय की है उसी कीमत पे आप हमें बेच दें। तो ये हक शुफा की मांग कौन कर सकता है? वह व्यक्ति जो शुफा के अधिकार का दावा करने के लिए अधिकृत है उसे शफी कहते हैं, अगर क्रेता कहते हैं, है ना। तो सुन्नी विधि के अंतर्गत हक शुफा यानी शफी निम्नलिखित व्यक्ति हो सकते हैं। तीन प्रकार के व्यक्ति हैं जो हक शुफा की मांग कर सकते हैं। किसमें? सुन्नी विधि में, सुन्नी मुस्लिम विधि के सुन्नी शाखा में तीन ऐसे व्यक्ति हैं, तीन ऐसे प्रकार हैं जो हक शुफा की मांग कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है शफीए शरीक यानी जो संपत्तियों में सह अंशधारी होता है, जो सह अंशधारी होता है यानी उसका भी शेयर होता है, उसका भी अंश होता है उसी प्रॉपर्टी। मान लो ए पिता है और ए के तीन पुत्र हैं, बी सी और डी। तीन पुत्र हैं बी सी और डी, तो बी सी का क्या सह अंशधारी है, सी डी का सह अंशधारी, यानी जो पुत्र हैं तीनों ही वो सह अंशधारी। ए की अगर कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो ए के तीनों पुत्र को शेयरर होंगे, यानी वो क्या कहलाते हैं, तीनों ही पुत्र। यानी बी अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो सी और डी सफीए शरीक यानी संपत्ति में सह अंशधारी होने के नाते उस प्रॉपर्टी में हक शुफा की मांग कर सकते हैं। सेकेंड आता है शफीए खलीत यानी जो संपत्ति की उन्मुक्तियों या उससे संलग्न जो भी वस्तुएं हैं उनमें भाग लेने वाला, यानी जो हिस्सेदार बोला जाता है इसको, शफीए खलीत जो हिस्सेदार होता है यानी जो प्रॉपर्टी से, जो इमोवेबल प्रॉपर्टी से कोई लाभ या कोई फायदा प्राप्त कर रहा हो तो वो हक शुफा की मांग कर सकता है। वो फायदा हिस्सेदार यानी पहले तो कौन हो गए, सह अंशधारी हो गए शफीए शरीक में। सेकंड आता है शफीए खलीत जो प्रॉपर्टी या जो संपत्ति है उससे जो होने वाले फायदे हैं उनमें, उन फायदों या उनको प्राप्त करने के लिए हिस्सेदार होते हैं, तो वो फायदे दो ही प्रकार के हो सकते हैं। उन जो दो प्रकार के फायदे हैं, एक तो मार्ग का अधिकार, एक तो मार्ग का अधिकार, या दूसरा पानी या जल का अधिकार, जल का अधिकार। जैसे एग्जांपल ए और बी की प्रॉपर्टी, दो पास पास में प्रॉपर्टी है, ए की प्रॉपर्टी सड़क के कॉर्नर पे है और बी के पीछे है, तो बी के प्रॉपर्टी में जाने के लिए ए की प्रॉपर्टी में से रास्ता है, बी की प्रॉपर्टी को क्या है, मार्ग का अधिकार है,
एक ही प्रॉपर्टी से होके ही तो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो छलांग लगा कि बी अपनी प्रॉपर्टी में पहुंच जाएगा और रास्ता ही नहीं देगा ए, ऐसा नहीं है। तो ए की प्रॉपर्टी से अगर मार्ग का अधिकार है बी की प्रॉपर्टी को, या बी की प्रॉपर्टी में कुआ नहीं है और कुआ ए की प्रॉपर्टी से में है, तो बी को वहां से जल लेने का या पानी लेने का अधिकार है। तो दो प्रकार के अगर बी को अधिकार है, या तो मार्ग यानी रास्ते का अधिकार, या वहां से जल लेने या पानी लेने का अधिकार है, तो उस कंडीशन में बी क्या हो गया, उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो गया, सहंशधारी नहीं कह रही मैं, हिस्सेदार हो गया। तो बी हिस्सेदार होने के नाते अगर ए अपनी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को विक्रय करता है, तो बी हिस्सेदार है उस प्रॉपर्टी में, इसलिए उसका हक शुफा का अधिकार उत्पन्न होता है। थर्ड आता है शफीए जार, इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है पीपीटी में, शफीए जार यानी पड़ोसी, जो अचल संपत्ति के से जुड़ा हुआ है, यानी मान लो ए की प्रॉपर्टी है और उसकी दीवार सटी हुई दीवार से अगर बी का मकान है, तो बी क्या हो गया, शफीए जार पड़ोसी। तो पड़ोसी को भी ये अधिकार है कि अगर ए अपनी प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन अजनबी व्यक्ति को विक्रय करे, तो पड़ोसी कह सकता है कि हक शुफा का मेरा अधिकार है। ठीक है, तो हक शुफा का मेरा अधिकार, यानी तीन व्यक्ति है। तो अब देखते हैं शफीए शरीक क्या होता है, कि संपत्ति में सहंशधारी वे व्यक्ति जो किसी सामान्य पूर्वज की संपत्तियों में उत्तराधिकार प्राप्त, जैसे ए है सामान्य पूर्वज, बी सी डी के तीन ये जो पुत्र हैं ए के हैं, तो ये क्या हो गए, ए की प्रॉपर्टी में उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे। तो अगर ये सारे के सारे जो तीनों पुत्र हैं ये सहंशधारी, यदि बी सी या डी में से कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन यानी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करता है, तो जो बाकी के बचे हुए सहंशधारी हैं वो शुफा के अधिकार की मांग कर सकते हैं। ये अन्य दोनों पक्का, यानी शफीए जो शरीक है ये सबसे बेस्ट अधिकार की मांग है हक शुफा में। ये दोनों प्रकार के जो प्रियम्प्टर हैं उनको अफर्जित करता है। मान लो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें शफीए शरीक भी मांग करता है, शफीए खलीत भी मांग करता है, यानी अंशधारी भी मांग कर रहा है, हिस्सेदार भी मांग कर रहा है और पड़ोसी भी मांग कर रहा है, तो सबसे पहले किसके अधिकार की पूर्ति होगी, शफीए शरीक यानी जो अंशधारी है उसके अधिकारों की पूर्ति की जाएगी, उसके अधिकार को प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसमें सहंशधारी विक्रय होने पर शुफा के अधिकार का दावा कर सकते हैं, ये बताया है इसमें, एग्जाम्पल समझाया है कि उदाहरण ए के दो लड़के हैं बी और सी, ए की मृत्यु पे बी और सी उसकी संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं और ऐसी संपत्ति में वे संयुक्त जॉइंट मालिक हो जाते हैं, और यदि बी अपनी संपत्ति किसी भी एक्स को बेचता है, तो सी का शुफा का दावा कर सकता है, सी अपने शुफा के अधिकार की मांग कर सकता, और यदि ऐसे ही सी अपनी प्रॉपर्टी वाई को बेचता है तो बी अपने शुफा के अधिकार की मांग कर सकता। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि शफीए शरीक के आधार पे शुफा का अधिकार शफीए हिस्सेदार या शफीए शरीक के आधार पे जो शुफा का अधिकार है वो असंवैधानिक है। ये केवल कौन से केस में कहा गया, आत्म प्रकाश वर्सेस हरियाणा राज्य, असंवैधानिक सिर्फ एक केस लॉ में माना गया, वास्तव में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये सिर्फ एक केस लॉ है, आत्म प्रकाश वर्सेस हरियाणा स्टेट,
हरियाणा राज्य 1986 का केस है, जिसमें ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि शफी शरीक के आधार पे अगर कोई शुफा की मांग करता है, हक शुफा की मांग करता है, तो ये शुफा का अधिकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेकंड आता है शफी खलीत। क्या होता है शफी खलीत? मैंने जैसे कि अभी बताया, यदि कोई व्यक्ति इजमेंट का अधिकार रखता है, इजमेंट यानी सुखाधिकार का, एक व्यक्ति इजमेंट का अधिकार कब रख सकता है? मान लो दो व्यक्तियों की इनमूवेबल प्रॉपर्टी पास पास में है, एक व्यक्ति अपनी इन अचल संपत्ति का पूर्णतः प्रयोग करने के लिए या संपूर्ण रूप से उसका यूज करने के लिए दूसरे की प्रॉपर्टी से कुछ फायदा ले सकता है, तो उसको बोलते हैं इजमेंट का अधिकार। वो सिर्फ वहां से फायदा ले सकता है। तो फायदे चार प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? हवा का हो सकता है, प्रकाश का हो सकता है, मार्ग का हो सकता है, और जल का हो सकता है। ये चार प्रकार के इजमेंट के राइट्स होते हैं, जिसको अपन फाइनल ईयर में पढ़ेंगे, सीपीसी के साथ में भी पढ़ते हैं अपन इजमेंट पढ़ते हैं सुखाधिकार सॉरी सेकंड ईयर में पढ़ते हैं अपन इजमेंट सुखाधिकार। तो यहाँ पे जो हकशुफा की जो मांग की जा रही है, शफी खलीत यानी जो हिस्सेदार है, अगर कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति में हिस्सेदार है, यानी वहां से कोई फायदा ले रहा है, तो वो कब मांग कर सकता है? इस लाडू सिंह वर्सेस कल्याण सहाय में राजस्थान हाईकोर्ट ने ये कहा कि शफी खलीत के रूप में शुफा या हकशुफा का दावा कब किया जा सकता है? जब केवल और केवल रास्ते या मार्ग या जल, मार्ग और जल के इजमेंट तक ही सीमित है। मान लो रास्ते का अधिकार है या पानी जल लेने का अधिकार है हिस्सेदार के रूप में ले रहा, तो ही वो हकशुफा की मांग कर सकते। अगर वहां मान लो ए और बी की प्रॉपर्टी पास पास में, इमोबाइल प्रॉपर्टी पास पास में, और ए की भूमि पर कोई प्रकाश या हवा बी की भूमि से आ रही है, और बी के अपनी प्रॉपर्टी अगर विक्रय कर देता है किसी थर्ड पर्सन सी को, तो ए हकशुफा की मांग शफी खलीत के रूप में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रकाश और हवा के आधार पे हकशुफा का दावा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है शफी जार। शफी जार का तात्पर्य या मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी अचल संपत्ति का स्वामी हो, परंतु उसकी अचल संपत्ति का किरायेदार या ऐसा व्यक्ति जो बिना वैध अधिकार के आया हुआ, वो शफी जार में नहीं आता। यानी क्या है, ए की प्रॉपर्टी है और बी की पास में उसकी बी की भी प्रॉपर्टी है, और ए और बी की एक ही दीवार है, यानी दीवार पास में पास पास के मकान है, तो ए बी का शफी जार हो गया और बी ए का शफी जार, यानी पड़ोसी हो गया, सीधा सा अर्थ है। तो अगर कोई पड़ोसी अपनी सटे हुए मकान से सटे हुए जमीन या अचल संपत्ति को विक्रय करता है, तो पड़ोसी का ये अधिकार उत्पन्न हो जाता है हकशुफा का, कि वो हकशुफा की मांग अगर क्रय अधिकार की मांग कर सकता है। तो जो वैध रूप से मालिक है, वो ही शफी जार के रूप में हकशुफा की मांग कर सकता। अगर बी की प्रॉपर्टी और सी को किराए पे दी हुई है, तो सी किराएदार है, तो वो सी किराएदार के रूप में हकशुफा की मांग नहीं कर सकता। या सी अवैध रूप से अतिचारी है, ये ट्रेसपासर है, अवैध रूप से बी की जमीन पे कब्जा कर लिया और फिर ए अपनी संपत्ति बेचता है किसी और को, तो सी कहता है कि नहीं, ये तो मेरी हकशुफा की मांग करता है, वो शफी जार के रूप में ऐसी वो मांग नहीं कर सकता, क्योंकि वो वैध रूप से उस मकान का मालिक नहीं है। ऐसे ही वाकिफ या मुतवली शुफा का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाकिफ यानी जो वक्फ करने वाला है, या जो मुतवली है, सॉरी वाकिफ जिस
जो करने वाला या जो मुतवली है वो हकशुफा का दावा नहीं कर सकते क्योंकि वो संपत्ति के स्वामी नहीं होते। जैसे ही वक्फ किया जाता है संपत्ति का स्वामी स्वामित्व किसमें निहित हो जाता है, खुदा में निहित हो जाता है। ऐसे प्रथम श्रेणी का अगर कहता है यानी शफीए शरीक, दोनों शफीए खलीफ और शफीए जार को अपवर्जित करते हैं, यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है एक ही, मान लो कोई प्रॉपर्टी ऐसे एक किसी बी को बेचता है और वहां पे तीनों ही मांग करते हैं, शफीए शरीक भी मांग कर रहा है, शफीए खलीत भी मांग कर रहा है और शफीए जार भी मांग करता है, तो सबसे पहले अधिकार किसका होगा? शफीए शरीक का होगा। और मान लो एक ही प्रॉपर्टी है, बी को बेच रहा है थर्ड पर्सन को और उस प्रॉपर्टी में शफीए खलीत और शफीए जार यानी हिस्सेदार और पड़ोसी मांग करते हैं, तो किसको अगर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, किसको प्रायोरिटी मिलेगी? हिस्सेदार को मिलेगी, शफीए खलीत को मिलेगी। और अगर मान लो एक ही प्रॉपर्टी बीच में है और इस साइड बी की है लेफ्ट में और राइट में सी की है, बी और सी दोनों ही क्या हो गई, एक ही पड़ोसी हो गई, दोनों ही एक ही पड़ोसी हो गए, तो फिर किसको प्रायोरिटी मिलेगी? तो फिर पूर्व क्रय समान अधिकार, उनमें से प्रत्येक को पूर्व क्रय का समान अधिकार रहेगा, जो भी पहले मांग कर देगा, जो भी फॉर्मेलिटीज पहले पूरी कर देगा उसको पहले दी जाएगी। ऐसे ही आता है कि शिया विधि। अब शिया विधि में ये तो सुन्नी विधि के तीन मैंने बताए, शफी शरीक, शफी खलीत, शफी जार, ये तीन प्रकार के व्यक्ति या हिस्सेदार हैं, ये तीन प्रकार के शफी है जो हकशुफा की मांग कर सकते हैं, जबकि शिया विधि जो है उसने केवल और केवल शफीए शरीक ही, कौन? शफीए शरीक ही शुफा के अधिकार का दावा कर सकते हैं, और वह भी जब दो या दो से अधिक सह अंशधारी ना हो तो मांग कर सकते हैं। एग्जाम्पल ए है, ए के दो पुत्र है, बी और सी, प्रॉपर्टी बी और सी को चली गई, बी अगर अपनी प्रॉपर्टी शिया का बता रही हूं, बी अगर अपनी प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन को विक्रय करता है तो सी शुफा के अधिकार की मांग कर सकता है। क्यों? क्योंकि सी मांग करने वाला एक ही सह अंशधारी है, और यही अगर ए के चार पुत्र होते बी सी डी ई और उनमें से बी अगर अपनी प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन को विक्रय कर देता है तो कितने व्यक्ति रह गए सहजधारी के रूप में? शफी शरीक, तीन व्यक्ति हो गए। कौन कौन हो गया? सी डी ई। तो वहां पे हकशुफा की मांग नहीं मानी जाएगी या नहीं की जा सकती, वो हकशफी के रूप में हकशुफा की मांग नहीं कर सकते। शिया विधि के अंतर्गत केवल और केवल शफी शरीक ही हकशुफा प्रीएम्पशन की मांग कर सकता है, दावा कर सकता है, और वह भी जब दो या दो से अधिक सहजधारी ना हो, यानी सिंगल ही अगर सहजधारी है तो ही शफी शरीक में मांग की जा सकती, शिया में अन्यथा नहीं की जा सकती। थैंक यू सो मच।